हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया? आपका दोस्त सुमेन घोष फिर से प्रेजेंट हो गया यानी प्रकट हो गया। फ्रेंड्स, लास्ट वीक आप लोगों ने देखा था, लास्ट वीक नहीं 10 दिन पहले जो वीडियोस बनी थी उसमें आप लोगों ने ये सारी पतंग देखी थी। वो सारी जो पतंगें लगी हुई है, ये सारी पतंगे आप देखिए, ये सारी पतंगे हमने आपको 10 दिन पहले जो वीडियोज बने थे उसके अंदर दिखा दिया था। और 2-3 पतंग तो काइट फाइटिंग भी कर चुकी है, जैसे कि ये वाली पतंग काइट फाइटिंग कर चुकी है, इसकी वीडियो बन चुकी है। और वो जो प्लस प्लस वाली काइट है वो भी काइट फाइटिंग कर चुकी है। उसके अलावा हॉर्स वाली भी काइट फाइटिंग कर चुकी है लेकिन उसकी वीडियो नहीं बनी थी। और वो जो मुड्डेदार है एकदम आखिरी में, वो मुड्डेदार भी काइट फाइटिंग कर चुकी है लेकिन उसकी भी वीडियो नहीं बनी। और तो फ्रेंड्स, आज भी हम लोगों ने कुछ पतंग बनाया है, बहुत ही नया डिज़ाइन बनाया है। और मैं कोशिश हमेशा ही ये करता रहता हूँ कि हमारी जो डिज़ाइन है, आपकी जो चैनल के अंदर काइट्स बनती है और जो काइट प्लायर सुमेन घोष वाली चैनल के अंदर पतंग बनती है उसकी डिज़ाइन डिफरेंट हो, मार्केट से हट करके हो। और इसी डिज़ाइन को बाद में जो है जो काइट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया है वो लोग जो है इसको कॉपी करें और बनाएं और आप लोगों तक पहुँचाएँ। क्योंकि मैं तो लाखों पतंग तो बना नहीं सकता, मैं तो एक दो पतंग ही बना सकता हूँ, उससे ज़्यादा तो नहीं बना सकता। लेकिन मैन्युफैक्चरर लोग सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों की तादाद में पतंग बनाते हैं। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैन्युफैक्चरर लोग मेरी डिज़ाइंस को देखें और देख करके इसको बनाएं और आप लोगों तक पहुंचाएं, आप लोगों तक सेल करें। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी आज जो पतंग बनाई है वो उसमें सारे अजंता पेपर यूज़ किया है मैंने। ये अजंता पेपर रखा हुआ है, वो कुछ लोकल पेपर्स भी हैं और आप देख सकते हैं, देखिए वो किस तरह से कमांड खड्डे को छीलने पर, वो देखिए कैसे उसका वो निकलता है। ये सारी बातें मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये बहुत मेहनत का काम है फ्रेंड्स, ये इतना आसान नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैंने क्या बनाया वो दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले आप देखिए, आज ये स्टार वाली काइट है और ये सब 15 अगस्त के लिए तैयारी चल रही है, तो इसको यहाँ पे रख देता हूँ। और एक बनाया मैंने ये, तो फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हैं कि इसका देखिए कैसे फेड हो गया है। और ये जो हमने गोद जो लगाया था, इसमें लेई जो लगाया था, उसकी वजह से ये हुआ है, अदरवाइज़ बाकी पतंग ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमारे से मिस्टेक हो गया कि इसमें हमने ले यूज़ किया, बाकी में हमने फेविकॉल यूज़ किया था, तो इसमें भी फेविकॉल यूज़ किया है। फ्रेंड्स, ये पतंग कैसी है डिज़ाइन बताइए आप। और उसके अलावा क्या बनाया है, और ये देखिए ये भी बनाया है डोनाल्ड डक, ये भी बहुत मस्त है। और ये डिज़ाइन भी बनाया है 200K का। और इसके अलावा एक ये भी बनाया है फ्रेंड्स, अभी इसमें थोड़ा सा काम बाकी रह गया। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग टिकली लगाते हैं, यहाँ पे एक छोटी सी टिकली लगाते हैं रैप करके, ताकि जो कन्ना बांधते टाइम जो है इसका वो कन्ना न टूट जाए, इस करके उसको लगाया जाता है। और ये पतंग काफ़ी लोजदार है और बढ़िया पतंग है, तो ये दिल का डॉक्टर आप इसको कह सकते हैं। ये प्लस डॉक्टरों की निशानी होती है और रेड कलर के ऊपर वाइट कलर की प्लस होती है वो, तो हमने ब्लैक कलर का प्लस लगा दिया और ये दिल बना रखा है, यानी दिल का डॉक्टर इस पतंग का नाम है। और ये देखिए फ्रेंड्स, एक ये बनाया है हमने और ये भी 15 अगस्त में, इसमें भी थोड़ा सा लेई जो है वो गड़बड़ लग गया था, तो इस करके इसमें भी पेपर का कलर देखिए फेड हो गया। तो फ्रेंड्स, इसका जो ये बर्फी नुमा डिज़ाइन है, तो हमने अपने जो ये रेलिंग में आप देख सकते हैं, हमारा जो रेलिंग का डिज़ाइन है सेम है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर भी बनाया जाए, तो ये हमने बर्फी वाला डिज़ाइन बना दिया। और ये जो प्लस प्लस वाला आप देख रहे हैं, तो उसके वो सब डिज़ाइन बनी हुई है, वो सारी डिज़ाइन वो प्लस के ऊपर बनी हुई है, तो ये बर्फी वाला रेलिंग को देख करके बनाया फ्रेंड्स। और इसके अलावा जब आप अपने दोस्त को बोलते हैं यार फोटो खींच ग्रुप में, तो सबकी स्माइल देखिए कैसे अलग अलग स्माइल होती है, सबकी अलग स्माइल है फ्रेंड्स। जैसे आप लोग झुंड में फ़ोटो खिंचवाते हैं ना, 20-25-50 एक साथ खड़े होकर, सबकी स्माइल अलग होती है, किसी का थोड़ा सा ज़्यादा मुस्कुराता हुआ चेहरा होता है, किसी का लटका हुआ होता है, कोई बिल्कुल भी नहीं मुस्कुराता, किसी की दांत बाहर रहती है, इसमें भी बिल्कुल ऐसे ही अलग अलग स्माइल है सबका। और एक ये देखिए फ्रेंड्स, ये मोबाइल में जो आपके मोबाइल में फीचर होता है वो है, और इसमें आप देख सकते हैं ये मैसेज, और ये देख सकते हैं कैलकुलेटर, और उसके अलावा आप ये देखिए सेटिंग, और इसके अलावा गैलरी देखिए आप, और ये देखिए कॉन्टैक्ट, ये सारा सब कुछ बना हुआ है फ्रेंड्स। ये कंप्लीट मोबाइल काइट है। और आपको कैसा लगा ये काइट, इसको हम मोबाइल काइट भी बोल सकते हैं क्योंकि इसके मोबाइल के जो फीचर्स हैं ये सारे के सारे इसके अंदर हैं। और इसके अलावा एक और हमने बनाया है, और वो क्या बनाया है फ्रेंड्स, ये बनाया है ज़ीरो काटा। आप देख सकते हैं, आप लोगों ने बचपन में बहुत अपनी कॉपी ख़राब करी होगी ज़ीरो काटा खेल खेल करके,
जब क्लास में टीचर नहीं आते थे आप सब जीरो काटा, मैं भी जीरो काटा बहुत खेलता था। तो फ्रेंड्स मेरा आज एक क्वेश्चन भी है यहाँ पे, जहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पे जीरो आएगा कि काटा आएगा, ये मतलब ये जीरो आएगा कि ये काटा यहाँ पे आएगा, क्या आएगा आप जरा बताइए मेरे को, मैं देखना चाहता हूँ सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है। और आपको समझ में आ गया है कि इस जगह क्वेश्चन मार्क इसलिए किया हुआ है कि यहाँ पे क्या आएगा, जीरो आएगा कि काटा आएगा, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में आकर के। ये पतंग भी कैसा लगा आप बताइएगा, ये डिज़ाइन बिल्कुल एकदम फर्स्ट टाइम बना है और पहले भी कभी नहीं बना। और उसके अलावा एक जंबो काइट बनाया है फ्रेंड्स, एक ये बनाया है आप देख सकते हैं, और इसका एक छोटा हमने पहले बनाया हुआ है वो रखा हुआ है वहाँ पे, उससे भी काइट फाइटिंग हो चुकी है। इसका ये बड़ा भाई है वो छोटा भाई है फ्रेंड्स, ये भी फाइटर काइट है और इससे भी काइट फाइटिंग मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स आपने मेरी जो आज जो हमने पतंग बनाई ये सारी आपने देखी और आपको कैसा लगा, अगर मेरी पतंगें और ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है भैया सब्सक्राइब कर लेना, बड़ा मेहनत का काम है। और वीडियो के ऊपर ज़रूर कमेंट देना, और जो मेरा जीरो काटा वाला जो क्वेश्चन था उसमें आप आंसर भी देने की कोशिश करिए, देखता हूँ कि सबसे पहले कौन सही आंसर देता है। तो फ्रेंड्स अब मैं ये वीडियो बंद करूँगा, मेरे वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, मेरे चैनल का नाम है काइट प्लेट फ्रॉम एंगल। बहुत जल्दी हम आपको अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।